हेलो बच्चों, आज हम लोग ये वाला लेक्चर अभी YouTube पर आपके सामने लेके आ रहे हैं। अब यहाँ पर बात ये हो गई है कि सर हमारे पास अभी ठीक है फ्लाइट हमारी प्रीपोन हो गई है लेना। मेरे को इसको लाइव था बट अब रिकॉर्डेड हो गया। मैं चाहता तो इसको कैंसिल कर सकता था बट कमिटमेंट नाम की एक चीज होती है। मैंने हमेशा आपको सिखाया कर्तव्य से बड़ा कुछ नहीं होता, तो मैं अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए इसको यहाँ पर लेके आया हूँ। भले ही टाइम लगे, मतलब भले ही पूरा ना कर पाए लेकिन जितना कर पाए उतना तो ठीक है, स्टार्ट जरूर करेंगे। तो चलिए सर शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले सर ये जो हम लोग आज करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज। तो आप अगर इसको खोल के देखोगे अपनी किताब में तो ये इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज आपकी किताब में दिया हुआ है और ये एक्चुअली में चैप्टर नंबर 2 ही है आपकी किताब में। तो सर सबसे पहली चीज जो इसमें आती है वो आती है सर कि प्रमोटर कौन होता है। सर जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा है, टॉपिक नंबर 1 है प्रमोटर, कि प्रमोटर इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 69। प्रमोटर वो आदमी है जो कंपनी को एग्जिस्टेंस में लेके आता है। ये वो आदमी है जो कंपनी को जीवित करता है। जैसे बच्चे पैदा करने के लिए माता पिता की जरूरत होती है, वैसे ही प्रमोटर की जरूरत होती है कंपनी को पैदा करने के लिए। और प्रमोटर वो है जिसका जो एनसीडी है, जिसका नाम प्रमोटर वो है जो एनसीडी है जिसका नाम लिखा हुआ है आपका, जिसका नाम लिखा हुआ है आपके प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस में, प्रोस्पेक्टस क्या होता है, जो इश्यू किया जाता है शेयर्स निकालने के लिए मार्केट से, आपका नाम। और ये पूरा इंस्टीट्यूट मटेरियल के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो आप बुक देके बैठ सकते हो। और ये नोट्स जो आप है ना, आप सोच रहे होगे सर ये जो लिखा रहे हो ये कहाँ अवेलेबल होंगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टैक्स की दुनिया का चैनल का लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम के, यूट्यूब के जितने भी नोट्स हैं उसी में अवेलेबल होंगे, ठीक है। और वो चैनल है तो उसमें बातें नहीं होंगी, बातों के लिए आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक भी इसी में दिया हुआ है। ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है, कम्युनिटी का भी दिया है, और जहां पर आप डिस्कशंस कर सकते हो हमारे साथ जिसको बोलते हैं डिस्कशन ग्रुप, वो भी यहीं पर दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोगों ने बेसिकली इसको टेलीग्राम ना रख के हमने इसको रखा है व्हाट्सएप, बिकॉज वी वॉन्ट टू बी मोर कनेक्टेड। तो सर दो चीजें हो गई, जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में लिखा है या जिसका नाम लिखा हुआ है किसमें सर, एनुअल रिटर्न ऑफ द कंपनी में, जिसका नाम लिखा हुआ है, जिसका नाम कंपनी के एनुअल रिटर्न में लिखा है। एनुअल रिटर्न मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये जो भी बनते हैं ना, ये एनुअली आरओसी के पास सबमिट करने होते हैं, उसको एनुअल रिटर्न बोलते हैं। दूसरा, या वो आदमी जो कंट्रोल करता है अफेयर्स ऑफ द कंपनी, वो आदमी जो कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करता है, अफेयर्स मतलब मेजर बिजनेस डिसीजंस यही आदमी लेता है। या थर्ड, जो डायरेक्ट करता है, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, जो बीओडी को डायरेक्ट करता है कि कौन सा काम करना है कौन सा काम नहीं करना। एमसीक्यू पर्पस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रमोटर, प्रमोटर जो है वो ना ही एक ट्रस्टी है, ठीक है, और वो ना ही एक एजेंट है। वो एक ऐसा आदमी है जो कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है, क्या चीज में, फिड्यूशरी रिलेशनशिप में। इट इज अ रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट, ही इज नॉट अ ट्रस्टी, नीदर वो ट्रस्टी है ना वो एजेंट है, वो सिर्फ कंपनी के साथ फिड्यूशरी रिलेशनशिप में है। ही इज ऑपरेटिंग अंडर फिड्यूशरी कैपेसिटी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, ठीक है, इसको हाईलाइटर लगा के मैं बगल में हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट क्योंकि इसके ऊपर एमसीक्यू आता है, इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर, नेक्स्ट सर, उसके बाद सर, जो प्रमोटर कंपनी में आता है वो कौन कौन सा काम करता है। सर जो प्रमोटर कंपनी में आता है वो कुछ अहम फंक्शंस काम करता है। क्या सर, सबसे पहले सर वो आइडिया जनरेट करता है कि कंपनी का बिजनेस किस चीज का होना चाहिए। जैसे अगर आपने पीपी वाटर बॉल्स का एग्जांपल देखा हो, जो मैंने प्रीवियस सीरीज में भी कराया था, उसमें पुचका की कंपनी बनाने का आइडिया उस सरदार वाले अंकल ने दिया था कि उससे बनाया जाए। उसके बाद वो आइडिया की करता है फीसिबिलिटी स्टडी, मतलब जो आइडिया हम लोग ने सोचा है कंपनी खोलने का वो एक्चुअली में पॉसिबल है कि सिर्फ काल्पनिक है, ठीक है। उसके बाद वो कुछ फंडामेंटल डिसीजन लेता है। फंडामेंटल का मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन, जो कि दो हैं, एक या तो स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, या तो आप स्क्रैच से नया बिजनेस बनाओ, या आप क्या करो किसी के ओल्ड बिजनेस को अक्वायर कर लो। देखो अनअकैडमी यही करता है, अनअकैडमी यही करता है, अनअकैडमी दोनों करता है। अनअकैडमी कभी कभार यूट्यूब चैनल नए बनाता है और कभी कभार क्या करता है, बने बनाए यूट्यूब चैनल लोगों से खरीद लेता है, ठीक है, और फिर अपने एजुकेटर्स को उस पर पढ़वाता है, ठीक है। दोनों तरीके से काम होता है,
उसके बाद इसका काम है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और अदर डॉक्यूमेंट्स जो हैं जो कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी है वो सब सारी चीजें प्रिपेयर करना। ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने के बाद डॉक्यूमेंट्स टू बी फाइल्ड विथ आरओसी, टू फाइल्ड उन सारे डॉक्यूमेंट्स को आरओसी के साथ फाइल करना, फाइल्ड विथ आरओसी वो भी करना है, ठीक है, फाइल्ड विथ आरओसी। और साथ ही साथ अगर ये कंपनी लिमिटेड बाय कैपिटल है तो मेक अरेंजमेंट्स फॉर शेयर्स इशू। अब सर जब मैं अरेंजमेंट बोल रहा हूं ना फॉर शेयर इशू, तो भैया जब मैं आपको ना यही मैराथन वापस से करा रहा हूं, आपको तो पता है एक चीज मैं एक बार नहीं कराता, एक से ज्यादा बार कराता हूं, आप अभी भी अगर सीएफ इंटरमीडिएट की क्लास कहीं पर भी परेशान है आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सीएसजी क्लासेस पर सिर्फ और सिर्फ 4,500 में आपको ये मिल जाएगा। और अगर आप अनअकैडमी पर हमारा सीएसजी कोड लेके अदर सब्जेक्ट्स को खरीदते हो तो ये आपको मात्र 3,500 रुपये में मिल जाएगा। हम लोग आपको 1,000 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे देंगे क्योंकि आपके लिए आपने वहां हमारा कोड यूज किया, लॉयल्टी मेंटेन की, हम लोग आपको 1,000 एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे देंगे, ठीक है। तो अभी भी अगर आप, ठीक है, परेशान है तो ऐसा ना हो कि कुछ पैसे बचाने के चक्कर में 6 महीना का टर्म आप क्रॉस कर दो। और मेरे पास याद रखना वैलिडिटी और व्यूज दोनों अनलिमिटेड है, दोनों अनलिमिटेड है, ठीक है सर। सर जब चैप्टर 3 आप मेरे साथ पढ़ चुके होगे ना तब मैं बताऊंगा जैसे अरेंजमेंट फॉर इशू ऑफ शेयर्स है तो इसमें क्या अरेंजमेंट करना होता है। अब हमारे बच्चे तो पढ़ चुके हैं तो मैं रिवाइज करते समय इस चीज का पूरा फायदा उठाऊंगा और मैं लिखूंगा जैसे सर प्रोस्पेक्टस इशू करना, ठीक है, सेबी से जाके परमिशन लेना, सेबी से परमिशन लेना, ये सारे के सारे काम अरेंजमेंट्स ऑफ इश्यूज में आते हैं। उसके बाद सर जब फंक्शन है तो ड्यूटी भी होंगी। सर प्रमोटर की कुछ ड्यूटी है, जैसे सबसे पहली प्रमोटर की ड्यूटी है नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट। प्रमोटर की सबसे बड़ी ड्यूटी है कि सीक्रेट प्रॉफिट नहीं करना है। प्रमोटर की सबसे बड़ी ड्यूटी है, प्रमोटर की सबसे बड़ी ड्यूटी है कि सीक्रेट प्रॉफिट नहीं करना है। किसी भी हालत में हमें सीक्रेट प्रॉफिट बिल्कुल नहीं करना है, मतलब कोई भी चीज छुपा छुपा के नहीं करनी है, नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट, ठीक है। अब सर सीक्रेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? बिजनेस ट्रांजैक्शन में कभी कभार हो सकता है कि किसी प्रमोटर को एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाए। 12,000 का सामान था, उसकी बार्गेनिंग स्किल्स उसने अच्छी यूज की, 12,000 का सामान 10,000 में करवा लिया उसने, इसको बोलते हैं सीक्रेट प्रॉफिट। तो अगर आपको सीक्रेट प्रॉफिट हो रहा है, ऐसा नहीं आप कर नहीं सकते, होने को तो हो ही सकता है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिस्क्लोज टू मेंबर्स। जो कंपनी के मेंबर्स है ना उसको इनको डिस्क्लोज करना होगा कि भैया देखिए हमसे सीक्रेट प्रॉफिट बना है, अब आप बताइए इस पैसे का क्या किया जाए, ठीक है। और साथ ही साथ इसकी दूसरी ड्यूटी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फुल एंड फेयर डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट। ऐसा हो सकता है कि किसी कंपनी के ट्रांजैक्शन में प्रमोटर का पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो। जैसे मान लो कंपनी एक जगह खोज रही थी अपना है रजिस्टर्ड ऑफिस बनाने के लिए, प्रमोटर के पास बहुत दिन से एक जगह खाली पड़ी हुई है, प्रमोटर बोलता है यहीं पर बना लो, बट उसको ये चीज बताना पड़ेगा कंपनी को, मेंबर्स को, कि बस सर देखो ये जगह मेरी है जो मैं आपको दे रहा हूं, हाइड नहीं कर सकता ये बात। तो दो तो ड्यूटी है, एक है सीक्रेट प्रॉफिट एस और दूसरा है डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट SG। नेक्स्ट, अब मान लीजिए सर किसी प्रमोटर ने आपको धोखा दे दिया, लोग धोखा तो देते ही हैं, तो रेमेडी क्या क्या अवेलेबल होगी, रेमेडीज फॉर कंपनी, ठीक है, कंपनी के पास क्या क्या रेमेडी होगी, कंपनी क्या क्या एक्शन ले सकती है प्रमोटर के साथ। सर सबसे पहले कंपनी ना रिसाइंड द कॉन्ट्रैक्ट। प्रमोटर के साथ जो कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट है ना कि वो कंपनी को चालू करके देगा, सबसे पहले कंपनी उसको कैंसिल करेगी, ठीक है। दूसरा क्या करेगी, कंपनी उससे पूरा का पूरा पैसा रिकवर कर लेगी, रिकवरी ऑफ सीक्रेट प्रॉफिट। अगर उसने कुछ सीक्रेट प्रॉफिट बनाया है इसी की वजह से तो कंपनी हर्ट हुई है ना, तो वो सीक्रेट प्रॉफिट उससे पूरा रिकवर कर लेगी। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट अब आएगा बांस, सू फॉर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब थोड़ा सा रिलेट करना, प्रमोटर और कंपनी के बीच में क्या चीज का रिलेशनशिप था, फिड्यूशरी, फिड्यूशरी मतलब ट्रस्ट।
तो अब हम लोग केस क्या चीज पे करेंगे, इसी चीज पर कि तुमने हमारा ट्रस्ट तोड़ा, तुमने हमारा ट्रस्ट तोड़ा, अब हम तुम्हें तोड़ेंगे। ठीक है, और इस साइन को थोड़ा क्लियरली लिख देते हैं, वरना हो सकता है नोटिंग में बच्चों को समझ में ना आए। जरूर बताना भैया आपको ये यूट्यूब के लेक्चर्स कैसे लगते हैं रिकॉर्डिंग में, अगर आप हमसे नहीं भी पेड में पढ़ रहे हो, फ्री में पढ़ रहे हो, कमेंट में जरूर बताना, और रेगुलरली पढ़ना। हम लोग संडे को ये रिविजनरी क्लासेस रेगुलरली करेंगे। आज देखो मेरे को ट्रैवल करना पड़ रहा है, फिर भी मैं कर रहा हूँ ये क्लास, क्योंकि मेरे को पता है इंटरमीडिएट में सबसे ज्यादा चाहिए होता है कंसिस्टेंसी, वो अपने को चाहिए। ठीक है, अब सर एक डिस्प्यूटेबल टॉपिक आता है। ठीक है, डिस्प्यूटेबल टॉपिक ये है, शुड मतलब प्रमोटर टू गेट रेम्यूनरेशन, क्या प्रमोटर को अपना जो भी काम वो कर रहा है कंपनी में, क्या वो रेम्यूनरेशन मिलनी चाहिए उसको? तो द आंसर इज कंपनीज एक्ट बोलता है नो, नॉट नीडेड। कंपनीज एक्ट बोलता है कि प्रमोटर को रेम्यूनरेशन देने का कोई जरूरत नहीं है, तो उसको कैश पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर लेट्स से कि कंपनी के आर्टिकल में लिखा है, कंपनी के आर्टिकल में लिखा है प्रमोटर्स को पेमेंट करना है, तो क्या कंपनी कर सकती है? यस, ओके, ठीक। लेकिन सर केस नंबर थ्री, कंपनी के आर्टिकल में लिखा है, आर्टिकल रिटन एंड कंपनी इज डिनाइंग, एंड कंपनी डिनाइज, क्या प्रमोटर कुछ कर सकता है? कैन प्रमोटर सू, प्रमोटर सू? द आंसर इज नो। मतलब सर कंपनी प्यार मोहब्बत से देना चाहे तो रेम्यूनरेशन दे दे, प्रमोटर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता, और अगर कंपनी मना कर दे तो प्रमोटर कुछ नहीं कर सकता। कंपनी प्यार मोहब्बत से देना चाहे तो ठीक है, अगर प्यार मोहब्बत से देना चाहे तो ठीक है, वरना अगर कंपनी नहीं देना चाहे तो प्रमोटर कुछ नहीं कर सकता। एज सिंपल एज दैट। एक बार देख लेना भाई, रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ, पता चला पूरा बोल दिया, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ भाई, दिल टूट जाएगा हमारा। तो सर यहां पर बात यह है कि कंपनी नो, नॉट नीडेड, आर्टिकल्स यस, ओके पे तो ठीक है, आर्टिकल रिटन एंड कंपनी डिनाई, अगर कंपनी डिनाई कर दी प्रमोटर कुछ घंटा नहीं उठा सकता। लेकिन सर एक्चुअली में पता है रेम्यूनरेशन दी जाती है दूसरी तरीके से दी जाती है। जनरल केसेस में रेम्यूनरेशन इज पेड, रेम्यूनरेशन इज पेड टू प्रमोटर इन डिफरेंट फॉर्म, उसको रेम्यूनरेशन की जाती है बट डिफरेंट फॉर्म्स में पेमेंट की जाती है। सर कैसे? सर कभी कभार प्रमोटर्स को क्या किया जाता है, शेयर्स इशू कर दिया जाता है एट डिस्काउंट, मतलब मार्केट में जिस रेट पर हम लोग अपना आईपीओ निकालेंगे उससे सस्ते दामों में प्रमोटर को दे दिया जाता है। दूसरा, प्रमोटर कंपनीज प्रॉपर्टी एट लो प्राइस, कंपनी कोई अपनी प्रॉपर्टी प्रमोटर को बेच देती है कम प्राइस पर, या तीसरा आइटम इसका उल्टा, कंपनी बाइज प्रमोटर्स प्रॉपर्टी, प्रमोटर्स प्रॉपर्टी एट हाई प्राइस। मान लो प्रॉपर्टी का प्राइस मार्केट में 1 करोड़ है, प्रमोटर के लिए वो खरीद लेती है 1 करोड़ 10 लाख में, 10 लाख प्रमोटर को मिल जाता है एक्स्ट्रा। पॉइंट नंबर 4, कमीशन पेमेंट, कमीशन पेमेंट, या कंपनी उसको कमीशन पेमेंट कर देती है, जितने शेयर्स वो बेच पाया, जितने शेयर्स मार्केट में सब्सक्राइब हुए उस पर कुछ कमीशन पेमेंट कर देती है। तो ये सर प्रमोटर का पूरा पोर्शन यहां पर खत्म हो गया। तो प्रमोटर के बारे में हम लोग ने कितनी बात सीखी, एक ए उसकी डेफिनेशन, बी उसके फंक्शन, सी उसकी ड्यूटी, डी कंपनी का उसके अगेंस्ट कंपनी का उसके अगेंस्ट हक, और ई उसका रेम्यूनरेशन। तो प्रमोटर के बारे में हम लोग ने सीखा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, 5 पॉइंट सीखे हम लोग ने प्रमोटर ओवर। ठीक है, अब इस चैप्टर का अगला पार्ट, अब बात आती है फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज, अब बात आती है फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज। तो सर फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज में ठीक है, हम लोग को पता है कि फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में प्रमोटर कंपनी तो बनाएगा, ये बात सही है, लेकिन सबसे पहला डिसीजन मेकिंग सेक्शन आता है सेक्शन 3, जहां पे हम लोगों को ये डिसीजन लेना होता है मेंबर्स को दैट वेदर दे विल गो फॉर अ प्राइवेट कंपनी और दे विल गो फॉर अ पब्लिक कंपनी और दे विल गो फॉर एन ओपीसी 1% कंपनी।
अब प्राइवेट कंपनीज डिफाइंड अंडर सेक्शन 268, पब्लिक अंडर 271, ओपीसी अंडर 262। तो हम लोग का अगला पार्ट ये आता है कि हम लोग ईच वन को देखें, क्योंकि प्राइवेट में हमें चाहिए 2 आदमी, पब्लिक में चाहिए 7 और ओपीसी में चाहिए 1। इंटरमीडिएट में ओपीसी के टॉपिक पे एक्सक्यूज मी काफी ज्यादा चर्चाएं हैं, ठीक है। तो आओ चलो सर थोड़ा ओपीसी के टॉपिक को खोले, इसको इसके अंदर से मसाले को बाहर निकाले, ठीक है। चलिए सर आइए। 1% कंपनी सर, सबसे पहली बात, 1% कंपनी होती कौन है, जिसमें सर एक ही मेंबर मिनिमम है और यही मेंबर मैक्सिमम है। ये क्या है, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी है, स्पेशल टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी। तो मतलब जो जो रिक्वायरमेंट्स प्राइवेट कंपनी को लगती है वो रिक्वायरमेंट इसको भी लगती है। साथ में इनको चाहिए होता है एक नॉमिनी, क्योंकि अगर जो सिंगल मेंबर है वो मर मरा गया तो उसकी जगह लेने के लिए कोई तो होना चाहिए, तो इनको लगता है जरूरत किसकी, एक नॉमिनी की। अब नॉमिनी अपॉइंट होता है सर रूल 4 के अंदर, रूल 4 ऑफ द कंपनीज एक्ट के अंदर नॉमिनी आता है, और नॉमिनी के आने पर नॉमिनी को देना पड़ता है अपना कंसेंट, और ये कंसेंट नॉमिनी सबमिट करता है अंडर फॉर्म INC 3। वाई INC? बिकॉज इट इज फॉर इनकॉर्पोरेशन। बेटा जो भी फॉर्म नंबर्स होते हैं ना, फॉर्म कहां पे भरे जाते हैं सर, ये सारे के सारे फॉर्म नंबर्स आप MCA 21 वेबसाइट पर भरते हो, क्योंकि यहां से ये डायरेक्ट ROC के पास पहुंचते हैं। तो ये जितने भी फॉर्म नंबर्स होते हैं ना, ये चैप्टर के ऊपर बेस्ड होते हैं। जैसे चैप्टर 1 का नाम, चैप्टर 2 का नाम इनकॉर्पोरेशन है तो INC है फॉर्म का नाम। जब चैप्टर 3 में प्रोस्पेक्टस आएगा तो पास्ट हो जाएगा PAS। जब चैप्टर 7 में मैनेजमेंट आएगा तो फॉर्म का नाम हो जाएगा MGT। ऐसे करके नाम चेंज होते जाएंगे, इजी है। तो भैया रूल 3 के अंदर अब कैसे याद रहेगा हमको INC 3 है, आपने सेक्शन कौन सा पढ़ा 3, फॉर्म कौन सा है 3, और रूल कौन सा है, उसके बाद एक आदमी चाहिए होता है 3+1, 4, ठीक है। रूल 3 कौन मानेगा, मतलब INC 3 कौन भरेगा, एक आदमी भरेगा, तो 3+1 कितना हो गया 4, तो रूल 4 में INC 3 भरा जाता है जो सेक्शन 3 में लिखा, ठीक है। अब सर क्या होता है, मान लीजिए ये जो कंसेंट दिया, अब यहां से सर 2 बातें हो सकती हैं। एक पहली बात ये देखो कि नाउ नॉमिनी वांट्स टू लीव, सर क्या हुआ कि नॉमिनी बोलता है, उस नॉमिनी पहले तो बन गया, अब उसको नॉमिनीशिप से अपना नाम हटाना है, बोल रहा हमको नॉमिनी नहीं बनना, ठीक है। तो भैया वो लीव कर सकता है, जो मेंबर था ना मेंबर, उसको न्यू नॉमिनी फाइंड करना है विद इन 15 डेज। नॉमिनी विद इन 15 डेज, मतलब पुराने नॉमिनी के चले जाने से 15 दिन के अंदर अंदर, यही हम लोग ने सीखा ना, किसी के आने या जाने से जिंदगी नहीं रुकती, 15 दिन के अंदर उसको दूसरा नॉमिनी अपॉइंट करना, ठीक है। इस दूसरे नॉमिनी को अपॉइंट करके इससे भी INC 3 में कंसेंट लेके ROC को सबमिट करना है, और ये जो ओल्ड नॉमिनी लेफ्ट है ना, ये जो ओल्ड नॉमिनी लेफ्ट है, इसके बारे में INC 4 में ROC को इन्फॉर्म कर दो। अरे लॉजिक है ना, 4 में तुम इन्फॉर्म करोगे कि वो चला गया, तब ना 3 में नया आएगा, वरना ROC कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, एक फर्म एक ओपीसी में 2 नॉमिनी, ऐसा कैसे हो गया। तो इसीलिए पहले 3 में तुम उसको बताओगे, 4 में बताओगे कि भैया ओल्ड वाला चला गया, ये 4 आपको भरना है कितने दिन में, 30 डेज के अंदर, 30 दिन ओल्ड वाले के जाने से, मतलब ओल्ड वाले के चले जाने से। फिर नया नॉमिनी अपॉइंट करना है आपको 15 दिन के अंदर, और उसका भी INC 3 आपको सब, ठीक है। तो न्यू नॉमिनी का फॉर्म जाएगा INC 3 में, और INC 4 में जाएगा पुराने वाले का अलविदा। बट ये वाला क्या था, ये तब था, ठीक है, जब नॉमिनी वांट्स टू लीव। मान लो हम लोग नॉमिनी को निकालना चाहते हैं, तब मेंबर रिमूव्स नॉमिनी, सर दोनों में कोई फर्क नहीं है वैसे, मेंबर रिमूव्स नॉमिनी, बात वही है, हमको गेट अ न्यू नॉमिनी इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर आपको एक नया नॉमिनी लाना होगा, इनफॉर्म ROC INC 4 ऑफ रिमूवल कि हम लोग ने पुराना वाला रिमूव कर दिया है, एंड INC 3 रिटन कंसेंट ऑफ न्यू वन। मतलब कहानी वही है, मतलब सर देखो मेरा कहने का क्या मतलब है समझना, होता कैसे,
एक जनवरी को हम लोग ने एक नॉमिनी को या तो निकाला या तो वो खुद चला गया, 15 जनवरी के अंदर हमको दूसरा नॉमिनी अपॉइंट करना है। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि INC 3 को 15 दिन के अंदर सबमिट करना है, ऐसा कहीं नहीं लिखा, ठीक है। 30 दिन के अंदर आपको ROC को बताना है कि पुराना वाला नॉमिनी चला गया, ठीक है। तो आप 30 दिन के अंदर कंप्लायंस किसके लिए, INC 4 के अंदर, मतलब 31 जनवरी तक आपको INC 4 डालना है। तो आप इनवेरेबली ये समझ लो कि INC 3 भरने के लिए, ठीक है, आपके पास 30 दिन है। क्योंकि लॉजिकली समझो, अगर 1 जनवरी को एक आदमी छोड़ के गया तो आपको कितने दिन में ROC को बता देना है, 30 दिन के अंदर अंदर, 30 जनवरी, नया नॉमिनी कब तक आ जाना चाहिए, 15 तारीख के अंदर, मतलब ROC को ये, अब तुम सोच रहे पता कैसे चलेगा, वो भी बताऊंगा मैं, मतलब 15 जनवरी तक नया नॉमिनी आ जाना चाहिए, ठीक है। अब 30 तारीख को जैसे ही तुमने INC 4 भरा ना, ROC तुरंत बोलेगा INC 3 का है, फिर तुम INC 3 डालोगे, उसमें तुम नया नॉमिनी की ज्वाइनिंग डेट लिखोगे, अगर वो ज्वाइनिंग डेट 15 जनवरी के अलावा कोई डेट हुई तो ROC ठोक देगा, समझे। इसीलिए 15 दिन के अंदर अपॉइंट कर लो, आप INC 3 आराम से भरो, INC 4 के बाद, कभी भी INC 3 4 के पहले नहीं जाएगा, ROC एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, वो सॉफ्टवेयर ही एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो तुम नया नॉमिनी डाल दोगे, सॉफ्टवेयर दिखाएगा ऑलरेडी द ओल्ड नॉमिनी इज फाइन, तो फर्स्ट फिल INC 4, पहले वो भरोगे तब थ्री आएगा। चलो सर, ठीक है। अब सर देखो, अब यही चीज जो आपने ओल्ड और न्यू बोला ना, यही सेम इंप्लीकेशन ऐसे ले लो, यहां तो लीव लीव हो रहा था, मर गया तो कौन सर, डेथ ऑफ नॉमिनी, नॉमिनी मर गया तो सर तो भी सेम ही होगा, मतलब सर जो प्रोसीडियर है टू रिमूव ओल्ड प्लस जॉइन न्यू नॉमिनी, वो तीनों केस में सेम है गुरु, हाँ वो तीनों केस में सेम है, चाहे वो लीव करे या वो उसको तुम रिमूव करो, लात मार के निकालो, या भगवान उठा ले उसको, देती है इंसैनिटी, वो तीनों केस में सेम है, पहले INC 4 30 दिन में, फिर INC 3 और 15 दिन में नया नॉमिनी लाना। बोलो, अब सर बात आती है कि OPC इंडिया में कौन बना सकता है, हु कैन इनकॉर्पोरेट एन ओ पी सी कौन बना सकता है OPC, और उसका नॉमिनी कौन बन सकता है। सर दोनों के केस में मेरा आंसर सेम है, ठीक है। OPC इनकॉर्पोरेट कौन करेगा, जो इंडियन सिटीजन है, ठीक है, प्लस इंडियन रेसिडेंट है। सर इंडियन रेसिडेंट बनने के लिए क्या करना होगा, इंडियन रेसिडेंट बनने के लिए इंडिया में 120 डेज रहना होगा एक साल में, मतलब प्रीवियस ईयर में। सर लेकिन इनकम टैक्स के 61A में तो ये लिखा हुआ है कि रेसिडेंट बनने के लिए 182 डेज होना पड़ता है, वो इनकम टैक्स एक्ट में होना पड़ता है, ये कंपनीज एक्ट, हर एक्ट के प्रोविजंस अपने अपने होते हैं, वो इनकम टैक्स एक्ट। तो इनकम टैक्स एक्ट में तो सेक्शन 6 क्लॉज, मतलब सब सेक्शन 6 ये भी बोलता है कि रेसिडेंट के साथ नॉर्मल एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट होता है, ये सब यहां होता ही नहीं है, यहां पर 128 डेज में फिक्स्ड है। सिमिलरली जो आपका नॉमिनी भी है ना, वो भी सर इंडियन सिटीजन भी होना चाहिए और साथ ही साथ इंडियन रेसिडेंट भी होना चाहिए, दोनों इंडियन सिटीजन भी और साथ ही साथ इंडियन रेसिडेंट भी होना चाहिए। चलो सर, अच्छा अब एक लिमिट की बात सुन लो, एक व्यक्ति मिस्टर गुप्ता एक ओपीसी में मेंबर, ठीक है, और एक ही ओपीसी में नॉमिनी, मतलब और मतलब यहां पे एंड है, एंड है, और एक ही ओपीसी में नॉमिनी बन सकते हैं, एक में ही मेंबर और एक में ही नॉमिनी। अगर ये मिस्टर गुप्ता जी, मान लो ऐसा होता है कि मिस्टर गुप्ता जी दो जगह नॉमिनी है, ठीक है, दो जगह नॉमिनी बना दिया इनको, तो दोनों में से अगर किसी की भी डेथ हो जाती है तो
इनको दोनों में से एक को लीव करना होगा विद इन 180 डेज, एक जगह से इनका नाम कटेगा विद इन 180 डेज दोनों में से एक। ठीक है, अब सोचो सर एक और केस भी तो हो सकता है। मान लो मिस्टर गुप्ता जी एक में मेंबर है और एक में नॉमिनी है, नॉमिनी वाला आदमी मर गया तो अब तो वो दोनों में मेंबर हो गए, अब ये तो हो नहीं सकता, तो वैसे केस में लीव मेंबरशिप ऑफ वन इन 180 डेज। इनको 180 दिन का टाइम मिलेगा, 180 दिन में आपको अपना खेल सेट करना है कि आप कहां रहना चाहते हो। ठीक है, लीव मेंबरशिप वो आपको करना है। मतलब सर कायदे से मैं एक का मेंबर बन सकता हूं, एक का नॉमिनी बन सकता हूं, क्या मैं दो का नॉमिनी बन सकता हूं? नहीं सर, ये कर सकता हूं हाँ, अगर सर मैं एक का मेंबर और एक का नॉमिनी बनता हूं, और होता क्या है कि जिसका नॉमिनी हूं वो भी आदमी मर जाता है, तो मैं दोनों का मेंबर बन गया, तो दोनों में से एक की मेंबरशिप मेरे को कुर्बान करनी होगी, और ये पूरा करने का मेरे को टाइम कितना दिन में मिलेगा? 180 डेज के अंदर हमको पूरा मैटर सेटल करना पड़ेगा। अब एक और बात याद रखिएगा, ओपीसी में माइनर मेंबर नहीं बन सकता, ठीक है, ना मेंबर बन सकता है ना नॉमिनी बन सकता है, माइनर दोनों में से कुछ नहीं बन सकता, ना ही होल्ड ना ही शेयर होल्डर बन सकता है, कुछ भी नहीं बन सकता। ठीक है, सिमिलरली जो आपने फाउंडेशन में भी पढ़ा था, ओपीसी जो है वो सेक्शन 8 कंपनी वाला काम नहीं कर सकता, वो प्रॉफिट के लिए ही काम करेगा, और एनबीएससी की तरह भी ऑपरेट नहीं कर सकता, ये भी आपने पहले ही पढ़ा है। ठीक है, जो नया है वो मैं आपको बताता हूं। सर मान लीजिए अगर कोई पब्लिक कंपनी अगर कोई ओपीसी सॉरी अगर कोई ओपीसी कन्वर्ट होना चाहता है किसमें, पब्लिक कंपनी में और प्राइवेट कंपनी में, या तो सर दूसरा अगर कोई प्राइवेट कंपनी कन्वर्ट होना चाहता है ओपीसी में, आप एक चीज नोटिस किए होगे, ठीक है, आप एक चीज नोटिस किए होगे, मैंने इनको मौका नहीं दिया कन्वर्ट होने का, और लिस्टेड पब्लिक कंपनीज को, उसका रीजन यह है क्योंकि कंपनीज जो लिस्टेड होती है ना वो तो ऑलरेडी वो चीज कर रही हैं, ठीक है, जिसके लिए प्राइवेट कंपनीज अलाउड नहीं, और ओपीसी एक स्पेशल टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी है, तो उनको अननेसेसरी पैसा वापस करना पड़ेगा, हैसल होगा मनी रिफंड करने का, डीलिस्ट करने का अपने आप को, इसलिए उनको ये सुविधा ही नहीं दी गई है। ठीक है, सुविधा ही नहीं दी हुई है। तो सर देखो सर, अब ओपीसी या तो अपने आप को पब्लिक में कन्वर्ट कर ले, ठीक है, या अपने आप को प्राइवेट में कर ले। सर अगर वो अपने आप को पब्लिक अरे यार अगर वो अपने आप को पब्लिक में करता है तो उसको 7 मेंबर लेके आने पड़ेंगे, और साथ ही साथ सर उसको मेंबर्स लाने पड़ेंगे साथ, ठीक है, और मेंबर्स लाने पड़ेंगे साथ, और साथ ही साथ उसको 3 डायरेक्टर भी लाने पड़ेंगे, ठीक है, और अगर वो यही प्राइवेट में करता है तो प्राइवेट में उसको 2 मेंबर लाने पड़ेंगे, साथ ही साथ में 2 डायरेक्टर लाने पड़ेंगे। तो पहले तो ये करना पड़ेगा, पहले तो ये करना पड़ेगा, अरे पहले तो ये करना पड़ेगा, और उसके साथ ये खत्म नहीं, उसके साथ अब आएगी कन्वर्जन की बारी। तो कन्वर्जन में दो चीजें होती हैं, ठीक है, कन्वर्जन में फॉर्म जाता है INC6। अब ये INC6 फॉर्म, ठीक है, INC6 फॉर्म याद कैसे करेंगे? ओपीसी में एक आदमी होता है पब्लिक कंपनी बनाने के लिए, और कितने आदमी चाहिए होंगे? 6, ठीक है, और 6 तो INC6 1 है, 6 और चाहिए, तो वैसे याद रखिएगा INC6 चाहिए हम, ठीक है, बनाने के लिए 6 लोग चाहिए, और पब्लिक की स्पेलिंग में भी 6 ही अल्फाबेट आते हैं, ठीक है, तो INC6 चाहिए। अब INC6 के साथ इनको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने पड़ेंगे। सर क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे? देखो सर, मेमोरेंडम और आर्टिकल सबमिट करना पड़ेगा, और इस बार तो चेंज किया हुआ सबमिट करना पड़ेगा, चेंजेस करने पड़ेंगे। नेक्स्ट, आपने जो रेजोल्यूशन पास किया है इस चीज को अप्रूव कराने के लिए, अब लोग मेरे को बोलते हैं स्पेशल की ऑर्डिनरी, अरे घंटा फर्क पड़ता है, एक तो मेंबर है,
अकेला उसमें क्या रेजोल्यूशन पास किया, खुद ही पास किया होगा, खुद ही साइन कर दिया होगा और उसको उठा के कंपनी का मिनट्स बुक में लिख दिया कि रेजोल्यूशन पास। दूसरा, सर आपको तो मिनिमम 3 डायरेक्टर चाहिए होंगे, तो लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स कौन आपके आगे जाके डायरेक्टर बनने वाले हैं और मेंबर्स भी कौन कौन बनने वाले हैं। सर आप अपने क्रेडिटर्स के बारे में बताइए, आपने कहाँ कहाँ से पैसा उठा के रखा है, पहले उनको तो पूछ लें कि वो ये चाहते हैं कि नहीं ये कन्वर्जन हो। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आप अपनी ऑडिटेड बैलेंस शीट दिखाइए, तो आप अपनी ऑडिटेड बैलेंस शीट दिखाइए और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाइए, उससे हमको पता चलेगा कि आपकी औकात भी है कि नहीं अपने आप को रजिस्ट्रेशन करने की। ठीक है, कि आपकी औकात भी है कि नहीं अपने आप को रजिस्टर करने की, ऑडिटेड बैलेंस शीट। ठीक है, और इसमें देखो सर अपना वो भी बन जाएगा आर सी पी, ठीक है, एम एम आरसीबी इज प्लेइंग मुंबई इंडियंस इन मुंबई, दीज आर द डॉक्यूमेंट्स दैट नीड टू बी सबमिटेड। आरसीबी इज प्लेइंग मुंबई इंडियंस, ऐसे हम पॉइंट याद करा देते हैं। हमारी नोटिंग मतलब हमारी नोटिंग, हमारा याद कराने का तरीका, हमारा कंटेंट, ये सब का कोई मैच नहीं है, ये आपने फाउंडेशन में भी देख लिया। तो आरसीबी इज प्लेइंग मुंबई इंडियंस इन मुंबई, तो आरसीबी एम और एम, आर से हो गया सर आपका रेजोल्यूशन, सी से हो गया क्रेडिटर, बी से हो गया बैलेंस शीट, एम से हो गया एमओए और एम से हो गया दूसरे वाले एम से हो गया मेंबर। तो आरसीबी इज प्लेइंग मुंबई इंडियंस इन मुंबई। ठीक है, नेक्स्ट आरसीबी हो गया। अब सर मान लीजिए ऐसा हो कि आपको प्राइवेट कंपनी को ओपीसी में कन्वर्ट करना है, तो भैया यहां से तो अब प्राइवेट कंपनी के केस में क्योंकि मेंबर्स एक से ज्यादा होते हैं तो आपको चाहिए एसआर इन जीएम, मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा जनरल मीटिंग में। अब जो हमारे मासूम मासूम बच्चे हैं जिनको स्पेशल रेजोल्यूशन उनके टीचर सर ने या मैम ने नहीं बताया, स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब वो रेजोल्यूशन होता है जिसमें 75% से ज्यादा आपको अपने फेवर में चाहिए होता है अमंग पीपल हु आर वोटिंग, तभी वो रेजोल्यूशन एक्सेप्ट होता है पब्लिक में, उसको बोलते हैं एसआर, स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है, अब देखो सर क्योंकि आपने स्पेशल रेजोल्यूशन फाइल किया है और ये मैनेजमेंट ने किया है तो चैप्टर नंबर 7 आ जाएगा, तो यही स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी आपको MGT 14 फॉर्म नंबर MGT 14, MGT क्यों, क्योंकि मैनेजमेंट डिसीजन है ये एसआर उसार पास करना, सब मीटिंग से रिलेटेड है, सब मैनेजमेंट से, तो ये सीधा चैप्टर 4 में चला जाता है, चैप्टर 7 में चला जाता है। तो फॉर्म नंबर हो गया MGT 14 और MGT 14 आरओसी के पास सबमिट करना है और आरओसी के पास जो भी डॉक्यूमेंट जाता है उसके लिए डेज होते हैं 30, ये कॉमन है। आरओसी के पास जो भी डॉक्यूमेंट जाता है उसके डेज होते हैं 30, ये है भैया कॉमन बात, एकदम कॉमन, ये हर केस में सेम है, ये बात है कॉमन बात, और उसी के पास जो जाता है उसमें डेज होते हैं 30। ठीक है, तो MGT 14 आपको 30 डेज में सबमिट करना है। इसी के साथ आपको चाहिए INC 6 फॉर्म नंबर, फिर से सर फिर से 6 आ गया, फिर से 6 आ गया, हाँ भैया 6 ही कन्वर्जन है, या किसी और से ओपीसी हो या और से ओपीसी जाओ आएगा नंबर 6 ही, फॉर्म नंबर 6 इज फॉर कन्वर्जन। तो आपने अभी तक कितने फॉर्म सीखे, INC 3 नॉमिनी का विड्रॉल, INC 4 सॉरी INC 3 नॉमिनी का कंसेंट, INC 4 नॉमिनी का विड्रॉल, INC 6 कन्वर्जन। ठीक है, अब यहां पर क्या है सर, यहां पर क्या है, अब यहां पर भी आपको INC 6 के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स देने। सर कौन से डॉक्यूमेंट्स देने हैं, सर बड़े सिंपल, सर आपको एक डिक्लेरेशन देना है। डिक्लेरेशन किसका चाहिए आपको, डिक्लेरेशन ऑफ डायरेक्टर्स का, कि भैया वो अग्री करते हैं कि हमारा कन्वर्जन हो जाए। ठीक है, दूसरा सर आपको फिर से लिस्ट ऑफ मेंबर्स और डायरेक्टर्स चाहिए। इसमें पता है बेसिकली क्या होता है, अगर कभी भी आरओसी को शक होगा ना तो वो इन मेंबर्स और डायरेक्टर्स से क्रॉस वेरीफाई कर लेगा कि इस कन्वर्जन के बारे में उनको बताया गया है कि नहीं। फिर आपको चाहिए ऑडिटेड बैलेंस शीट, ऑडिटेड बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। ऑडिटेड क्यों बोल रहा है, क्योंकि सीए से ज्यादा भरोसा कोई किसी पर नहीं करता। और लास्ट में आपको चाहिए क्रेडिटर से नो ऑब्जेक्शन लेटर,
नो ऑब्जेक्शन लेटर फ्रॉम क्रेडिटर्स, मतलब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर बिजनेस चेंज कर दिया जाए तो। तो सर हम लोग ने बोला भैया इतने पॉइंट कैसे याद होंगे, तो हमने बोला अगर नहीं याद होते तो आप हो डम्बो। सर डम्बो 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 क्या होता है? डम्बो है डिक्लेरेशन, डी से, एम से लिस्ट ऑफ मेंबर, ठीक है, बी से बैलेंस शीट, और ओ से ऑब्जेक्शन लेटर। इसी के साथ आपका ओपीसी का पोर्शन यहां तक। अब सर आपके दिमाग में एक पोर्शन आ रहा होगा कि सर मान लीजिए कि किसी ने बात नहीं मानी तो क्या पेनल्टी लगेगी? पेनल्टी तो बिल्कुल लगेगी बेटा, ओपीसी पर भी लगेगी, मेंबर पे भी लगेगी। कितनी लगेगी सर, कितनी लगेगी? लगेगी 5,000 वन टाइम, और जितने दिन तक आपने गलती नहीं सुधारी 500 पर डे, 500 पर, कितने दिन आपने गलती नहीं सुधारी। तो भैया अब हम लोग को यहीं तक रोकना पड़ेगा क्योंकि हम लोग ने भैया पैकिंग भी नहीं किया। आई होप आपको ये पसंद आया हो छोटा सा लेक्चर। प्लीज इसको लाइक करिएगा, नेक्स्ट दिन हम लोग यहीं से इसको आगे लेके जाएंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आप अगर सीएसजी क्लासेस के साथ अभी तक नहीं भी जुड़े हैं, आप हमारे लिए उतने ही प्यारे हैं, ग्रुप में जुड़ जाइए। अगर आपको लगे यार ये या आदमी बड़ा गजब का पढ़ाता है तो एक कमेंट करके सब्सक्राइब ठोक देना, और अपने सीए इंटरमीडिएट के दोस्तों को रेकमेंड कर देना। आप चाहे हमारे साथ सीएसजी क्लासेस पर आओ चाहे ना आओ, लेकिन हमारा ऐप जरूर डाउनलोड करना यार, उसका भी लिंक नीचे ही दिया हुआ है, ऐप जरूर डाउनलोड करना। हम लोग ने 1,000 डाउनलोड्स पूरे कर दिए एज ऑफ नाउ, वी आर सिटिंग एट 1,400। हमारा टारगेट है कि इस साल के एंड में वी विल रीच 5,000 डाउनलोड्स, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, सी यू, टाटा।